नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में आप लोगों का फिजिकल चला हुआ है, मिनिस्टर एचसीएम की भर्ती है, उसके लिए पहले आप लोगों का फिजिकल होने वाला है। तो उस फिजिकल की सीरीज में आज हमारे दोस्त का फिजिकल हुआ है, तो वो किस तरीके से कंडक्ट कराया गया है, क्या क्या उनसे पूछा गया, किस तरीके से उनका फिजिकल हुआ, कितने लोग पास हुए फिजिकल के अंदर, कितना टाइम लगा हुआ है एक कैंडिडेट को फिजिकल देने में, और क्यों हो रहा है इतनी फेल कैंडिडेट, क्यों इतने ज़्यादा कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, क्योंकि हम आप लोगों को बता दें इस समय जिस कैंडिडेट का हम डिस्कस कर रहे हैं उनकी सीरीज में 1130 कैंडिडेट बुलाए गए थे टोटल, और वहां पर उपस्थित हुए थे 540 कैंडिडेट। तो 540 हुए थे उपस्थित और उनमें से 320 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। तो देखिए कितना बड़ा रेस हुआ है, यानी 1200 में से आप लोग 300 कैंडिडेट क्वालिफाई। तो यहाँ पर इसी तरीके का रेशो निकल के आ रहा है सभी फिजिकल सेंटर से, जिस तरीके से हमने आप लोगों को बताया। अब बात कर लेते हैं उनका जो फिजिकल का रिव्यू है वो किस तरीके से उन्होंने बताया। तो देखिए, सबसे पहले तो उनकी एंट्री की गई, तो एंट्री पर उनका सबसे पहले एडमिट कार्ड चेक किया गया, एडमिट कार्ड के साथ उनका आइडेंटिटी प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ में उनसे आधार कार्ड की डिमांड की गई थी, तो आधार कार्ड उन्होंने दिखाया था, और साथ में आप लोग कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ चल जाएगा। उनके पास आधार कार्ड था, मोस्टली सभी कैंडिडेट के पास आधार कार्ड था, और उसके बावजूद आप लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो आप लोगों का वोटर कार्ड भी चल जाएगा। तो आप लोग कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाइएगा। अब देखिएगा, जैसे ही वो एंट्री कर जाते हैं तो सबसे पहले उसी तरीके के, जिस तरीके से मैं आप लोगों को रिव्यू बता रहा हूँ फिजिकल का, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है किसी भी फिजिकल के रिव्यू में, सिर्फ आप लोगों का 2 या 3 पॉइंट का रिव्यू आता है। देखिए, जब वो अंदर प्रवेश हुए तो उनको पहले बैचेस में बांट दिया गया, तो उनकी टेबल्स बांट दी गई थी, जो टोटल 6 टेबल्स बांटी गई थी वहाँ पर, और 6 टेबल्स को बांटा गया था, किसी में 50 कैंडिडेट थे, किसी में 40 कैंडिडेट थे। तो ये उन 6 टेबल्स को बांट दिया गया था, उन 6 टेबल्स में से दूसरे नंबर की टेबल पर हमारे दोस्त थे। तो वहाँ पर जब उनका फिजिकल हुआ तो सेकेंड नंबर की टेबल पर थे, तो उनके पास जो हेड कॉन्स्टेबल वहाँ पर आए थे, जो वहाँ पर अधिकारी, जिस तरीके से वहाँ जो क्लर्क हैं जो वहाँ पर आप लोगों का फिजिकल कंडक्ट करा रहे हैं, तो वो उनके पास पहुँचे एक फॉर्म को लेकर, जिसमें उनके अटेंडेंस मेंशन की गई थी, यानी उनके साइन कराए गए थे। उसके बाद उनका बायोमेट्रिक किया गया था, बायोमेट्रिक में उनको चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया गया था, और हमने पहले आप लोगों का क्या बताया था, उनकी हाइट मेजरमेंट हो रही थी, लेकिन इस फिजिकल में हमारे दो जो फिजिकल देने गए थे उसमें उनका सबसे पहले बायोमेट्रिक कराई गई, तो उन्हें पहले चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया गया, उनके उसके बाद उनकी हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट और वेट मेजरमेंट एक साथ किया गया। तो यहाँ देखिएगा, आप लोगों का जो फिजिकल का प्रोसीजर था इस तरीके से था। तो उनकी पहले हाइट मेजरमेंट हुई, हाइट मेजरमेंट के लिए वहाँ पर इस तरीके के, जैसे हमने जयपुर के लिए बताए थे कि 2 गेट लगे हुए थे जिसमें से गुजर के जाना था, और इसमें आप लोगों की जो हाइट मेजरमेंट हो रही है वो आप लोगों की स्पेशल हो रही है, यानी जो आप लोग की हाइट मेजरमेंट होगी वहाँ पर आप लोग का स्टैंड होगा, पर्टिकुलर सभी कैंडिडेट की पर्टिकुलरली हाइट मेजरमेंट की जा रही है। अगर किसी कैंडिडेट को ज़्यादा अगर हाइट में प्रॉब्लम होती है, यानी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो बोलता है कि उनकी हाइट कंप्लीट है, तो उसको कंप्यूटर से मेंशन किया जाता है, और कंप्यूटर का जो फाइनल डिसीजन होता है वो उसको दिखाया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर से बिल्कुल एग्जैक्ट हाइट मेजरमेंट होती है, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो कंप्यूटर से हाइट मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। अब देखिएगा, हाइट मेजरमेंट के बाद उनका जो है चेस्ट मेजरमेंट किया गया, तो चेस्ट मेजरमेंट में ज़्यादातर कैंडिडेट भार हुए हो रहे हैं, तो वो मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, रिव्यू के समय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, चेस्ट मेजरमेंट ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोगों का 77 से 82 सेंटीमीटर मांगा गया है, 77 आप लोगों का नॉन एक्सपेंड और 82 आप लोगों का एक्सपेंड के साथ, तो आप लोगों को पहले से ही फ्लॉकी नहीं रखनी है चेस्ट। अब देखिए, चेस्ट मेजरमेंट हो गया, तो उनका वेट मेजरमेंट किया गया, तो वेट के लिए मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जो वेट है आप लोगों का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 से 75 के बीच में आप लोगों का वेट है तो आप लोग क्वालिफाई हैं, ये स्टैंडर्ड वेट होता है। तो वेट के ऊपर ज़्यादा कैंडिडेट को क्वालिफाई नहीं किया जा रहा है, कम वेट है थोड़ा सा चल जाता है, लेकिन 75 से अगर ज्यादा वेट है तो थोड़ा सा मुश्किल आ जाती है आप लोगों के फिजिकल में, लेकिन वहाँ क्वालिफाई कर रहे हैं, आप लोगों के साथ ज़्यादा इस तरीके से सख्ती नहीं बरती जा रही है। अब देखिएगा, जैसे ही उनके जो है वहाँ पर फिजिकल कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बारी है, तो डॉक्यूमेंटेशन में उनसे 10th की मार्कशीट यानी हाई स्कूल की मार्कशीट और आप लोगों की इंटरमीडिएट यानी +2 की मार्कशीट मांगी जा रही है, और पासिंग सर्टिफिकेट है तो पासिंग सर्टिफिकेट भी लेकर जाइएगा। डोमिसाइल मांगा जा रहा है, डोमिसाइल कंपलसरी नहीं है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को सेंटर का लेके जाना है, और 4 फोटो मिनिमम लेके जाने हैं, तो 4 से 5 आप लोगों को फोटोग्राफ लेके जाने हैं, फोटोग्राफ आप लोगों के पासपोर्ट साइज होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने जो फॉर्म में फोटो लगाया था वो आप लोगों को लेके जाना है, रिसेंट कोई सा भी पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आप लोग ले जा सकते हैं, आप लोगों को ओरिजिनल और आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनकी एक कॉपी लेके जानी है, वहाँ पर आप लोगों को जमा करानी है। तो ये था आप लोगों का फिजिकल,
कितने पास किए गए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोगों के टोटल 320 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं इस दिन फिजिकल के अंदर, यानी आज 12 तारीख को फिजिकल के अंदर टोटल इतने कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए हैं। आप लोगों का रात हो चुकी है फिजिकल में, इसलिए मैं आप लोगों को शाम को वीडियो डाल रहा हूँ। जैसे ही हमें उनसे रिव्यू मिला ऐसे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।